हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ये ब्यूटीफुल सा रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट किया है मेघा ने, एंड इस लुक को कैसे क्रिएट किया गया है, कौन से प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया गया है, इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो स्किन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब लोग कितना कुछ एक्सपेरिमेंट मेरी स्किन के ऊपर करते ही रहते हैं, और मैं अपनी स्किन को बचाने के लिए क्या करती हूँ। मैं नॉर्मली ऑर्गेनिक चीज पे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, एंड मैं नॉर्मली घर आने के बाद बेसन, मैदा, हल्दी ये सब मैं यूज करती थी। बट रिसेंटली मैंने क्लव ऑर्गेनिक जो है इसको परचेस किया है, और ये वाइल्ड टर्मरिक फेस पैक पाउडर है। रिसेंटली मैं इसी को यूज कर रही हूँ, और इसको यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। सो गाइज, ये ऐसे ग्लास जार में आते हैं जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है, एंड ये ऐसे पाउडर फॉर्म में होता है, और इसका जो कलर है वो पेल ब्राउन कलर की है, एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसको यूज़ करने के बाद इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है। एंड नॉर्मल हल्दी पाउडर यूज़ करने के बाद जो येलो स्टेन आ जाती है स्किन में, बट इसको यूज़ करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, इसीलिए मैं रोज वाटर के साथ इसको यूज कर रही हूँ। जिनका जैसा स्किन है उस हिसाब से उनको यूज करना है, सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ। ये डार्क सर्कल्स, डेड स्किन सेल्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं। इट ट्रीट्स पिंपल्स, डार्क स्पॉट एंड एक्ने। जिनको अर्ली एजिंग का प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज कर सकते हो। ये पिगमेंटेशन को करेक्ट करते हैं। अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ को भी ये रिड्यूस करते हैं। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक क्लींजर है। इसको यूज करने से आपका जो स्किन है वो स्मूथ एंड ग्लोइंग हो जाएंगे। ये ट्रेडिशनली बेबी बर्थ पाउडर के हिसाब से भी इसको यूज किया जाता है। जिनका प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरी स्किन के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो गाइस, अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे। गाइस, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अच्छे से सेट हो गई हूँ। पता है बेस्ट मेकअप के पहले लोग ऐसे ही नौकरानी की तरह ही दिखते हैं, मैं भी दिख रही हूँ, पता है, कहने की जरूरत नहीं है। बट अभी ये एक वाइप से मेरी स्किन को साफ कर रही है, और इसके बाद मेरी स्किन एकदम खिली खिली सी हो जाएगी। आप लोग देखो, सभी वो एक गुड वाइब्स का जो टोनर है इसको स्प्रे कर रही है, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसके बाद मेरी स्किन जो है फ्रेश हो गई है एकदम। सभी वो ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर क्रीम से अच्छे से मेरी स्किन पे स्लोली मसाज कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इससे एकदम स्किन जो है वो रिलैक्स हो जाती है, आपकी फेस रिलैक्स हो जाती है। तो मेकअप के पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको कभी स्किप मत करना। अभी वो अप्लाई कर रही है कॉफ़ी फेस सीरम। ये सीरम बहुत ही अच्छा है, मेकअप के पहले यूज़ करना भी बहुत ही अच्छा होता है। एंड गाइस, इसको अभी ये एक ब्रश से अच्छे से मेरी स्किन पर अप्लाई कर रही है। वोट्स आर्टिस्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कुछ भी, सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, एंड आई विश कि लास्ट तक सब कुछ अच्छा ही रहे। सो अभी वो मेरी आईब्रोज को ड्रॉ करने वाली है क्रेयोलॉन के प्रोडक्ट से। एंड गाइस, नॉर्मली क्या होता है, वोट्स आर्टिस्ट को तो पता ही है रावण जैसे आईब्रोज वो लोग बना ही देते हैं, रावण, शिनचैन और पता नहीं क्या कुछ। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी आईब्रोज को इन्होंने ड्रॉ किया है। एंड गाइस, मेरी जो आईब्रोज है वो नेचुरल है, आप लोगों को तो पता ही है। सो मेरी आईब्रोज को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट या इन्होंने अच्छे से उसको ड्रॉ किया, एंड आई जस्ट लव इट। सो अभी वो ये क्रेयोलॉन सुपर कलर का ये कंसीलर जो है मेरी आईलिड पे अप्लाई कर रही है एक ब्रश की मदद से। उसके बाद इन्होंने एक ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है। एंड गाइस, नॉर्मली आप लोगों को तो पता ही है वोट्स आर्टिस्ट मतलब कंसीलर नाम का तो कोई चीज़ उनके पास होता ही नहीं है, शायद उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना, आई डोंट नो। बट यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो रहा है, एंड गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइस, अभी टाइम है आई मेकअप का, तो चलो देखते हैं आई मेकअप कैसा होता है। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हो कि बेस्ट आर्टिस्ट के पास जाने के बाद मैं अपना मुंह का जो शटर है वो क्यों बंद कर देती हूँ, आई मीन बुराई मैं क्यों नहीं करती हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बुराई करने वाली कोई बात होता नहीं है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है, मैं उनके पास ही जाती हूँ बेस्ट मेकअप के लिए जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब आप सभी की तरह ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। एंड गाइस, जज आप लोगों को ही करना है कि इनका मेकअप कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा
क्या हो रहा है ये इसको जज मैं नहीं करूंगी, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये कैसा हो रहा है। एंड गाइस, अगर आप में से भी कोई मेकअप आर्टिस्ट हो और मेरा मेकअप करना चाहते हो सो कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम में। सो अगर आप लोगों का काम मुझे पसंद आया तो आप लोगों को मैं इन्वाइट करूंगी मेरे चैनल में, आके आप कर सकते हो मेरा मेकअप। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, आपका जो घर है वो मेरे घर के पास होना चाहिए। सो चलो बातों बातों में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आई मेकअप खत्म हो गया है और अभी वो अप्लाई कर रही है PAC का ग्लिटर ग्लू। इससे क्या होता है, इसके ऊपर ग्लिटर लगाने से ग्लिटर जो है वो हिलता जुलता नहीं है, मतलब सेट होता है अच्छे से। अगर आप में से कोई ग्लिटर लगाते हो तो ये ग्लू लगाना मत भूलना, अदरवाइज जब भी आप ऐसे ऐसे करोगे आंखों को तो सारे ग्लिटर इधर उधर उड़ जाएंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना और ग्लिटर लगाना मत भूलना। और इसको देखो आप, कितनी अच्छी तरीके से ग्लिटर मेरी आईज पे ना सेट हो गई है एकदम परमानेंटली। सो अभी वो यूज़ कर रही है क्रेयलॉन का प्राइमर। अब प्राइमर का काम तो सबको पता ही है, प्राइमर जो है इसको लगाने से क्या होता है, हमारी स्किन में जितने भी गड्ढे हैं, चाँद की तरह चाँद में जितने भी गड्ढे होते हैं हमारी स्किन पे, भी हम लड़कियाँ चाँद से तो कम होते नहीं हैं, तो हमारी स्किन में जितने भी गड्ढे पोर्स वगैरह है उसको ये फील कर देते हैं अच्छे से। एंड इसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाते हो वो स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं। सो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी वो अप्लाई कर रही है कलर बार का स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन। ये चीज़ मेकअप के पहले लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर के बाद। एंड गाइस, और एक जो चीज़ मैं बता देती हूँ ना, मैं बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती ही रहती हूँ वीडियो में, मतलब ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ भी मैं कहती रहती हूँ, गलती हो जाती है कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड बातों में। सो गाइज, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे देख के मैं डर जाती हूँ, ऐसा लगता है इन छोटी छोटी गलती के लिए तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए उन लोगों के हिसाब से। सो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं। सो प्लीज़ यार, इसको हल्के में लो आप लोग, इसको ज़्यादा दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज, अभी वो अप्लाई कर रही है कलर करेक्टर, मतलब हम लड़कियाँ चाँद होते हैं तो चाँद पे दाग होते हैं, हमेशा मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ। सो ये सारे दाग धब्बे जितने भी है इसे छुपाने के लिए ये कलर जो करेक्टर है ना उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग ना इसको कभी भी स्किप मत करना, इसको ज़रूर यूज़ करना। अभी वो अप्लाई कर रही है बेस मेकअप, और बेस मेकअप तो बहुत ज़रूरी होता ही है खास करके ब्राइडल मेकअप में, क्योंकि इससे ही जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब एकदम वाइट हो जाता है। और बेस मेकअप लगाने के बाद ऐसा हमेशा लगता है मुझे कि मैं फेस पैक लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी होता है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो ब्राइट का जो स्किन है वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद भूत जैसा होता है, जैसे कि होता है बहुत लोगों का ही होता है, एंड वर्ड्स मेकअप में मेरा भी होता है, बट बेस मेकअप से नहीं होता है, वो फाउंडेशन से होता है। और एक जो चीज़ है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हो कि मेकअप का वीडियो के अलावा आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि हाँ, आप लोगों को किसी और तरीके से भी एंटरटेन करना मेरी ड्यूटी है। बट जब भी मैं कुछ और वीडियो अपलोड करती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें आप लोग बिल्कुल भी अपना प्यार नहीं दिखाते हो। लास्ट टाइम मैंने एक चैलेंज किया था 24 आवर्स अंडर द बेड, ये बहुत ही यूनिक और नया एक चैलेंज था, एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा टफ था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसके लिए, बट आप लोगों ने तो उसे देखा तक नहीं, मतलब इतना बुरा लगता है, इतना ज़्यादा हर्ट हुई थी, मैं क्या बताऊँ। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा मेरा यूट्यूब का, और पता नहीं आप लोगों को कब तक मैं वीडियो दे पाऊँगी अगर ऐसा चलता रहा, क्योंकि वर्ड्स आर्टिस्ट तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, महीने में एक दो बार ही होता है, बाकी टाइम बैठी रहती हूँ मैं, तब मुझे लगता है कुछ और ट्राई करूँ। बट अगर आप लोग ना देखते हो तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती है, बट अगर आप लोगों को वो वाला वीडियो देखना है तो आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बातों बातों में सब कुछ बेस मेकअप ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, और अभी टाइम है कंटोर जो भी हो, तो इसको करने का टाइम है। सो चलो देखते हैं कि इसको करने के बाद कैसा लगता है। जो भी हो, आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखते हो, मेरा वीडियो पसंद करते हो, इंजॉय करते हो, सब कुछ करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट है, अब फोर्स तो मैं कर नहीं सकती हूँ। और जो लोग सब्सक्राइब करते हो वो बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी ही नहीं समझते हो, तो अगर ऐसा चलता रहा तो सब्सक्राइब करना पूरा बेकार ही हो जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो गाइस, घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना। सो अभी वो अप्लाई कर रही है के ब्यूटी का लूज पाउडर, ये पाउडर काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस, इसको यूज़ करने के बाद जो मेरा इनकम्प्लीट जो आई मेकअप है अभी वो पूरा कम्प्लीट होने वाला है, और उसके बाद ही आप लोगों को आई मेकअप का फाइनल लुक देखने को मिलेंगे। सो थोड़ा दिल थाम के बैठो।
सभी अब अप्लाई करने वाली है मस्कारा जो कि है मैबलिन का, और ये मस्कारा मेरी ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि इसको यूज करने के बाद मुझे अंदर से करीना कपूर वाली फीलिंग्स आती है। सभी अब अप्लाई करने वाली है ब्लशर, और ब्लशर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, मतलब ब्लशर क्यों लगाते हैं हम लोग, ताकि हमारी ये जो दोनों चिक्स है ना वो एकदम कश्मीरी अपेल जैसे, मतलब एप्पल जैसे दिखे, अपेल एप्पल जो भी हो। तो आप लोग जब भी मेकअप करो ये वाला पार्ट कभी मिस मत करना, क्योंकि हमारी अगर चिक्स ऐसे ना दिखे तो मेकअप का करने का मतलब मेकअप करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अभी वो अप्लाई कर रही है फेसेस का कॉम्पैक्ट पाउडर। अब कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसको बगैर लगाए आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है, क्या हो जाता है आप लोगों को तो पता ही है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। हाँ, ये इसको कभी आप लोग स्किप मत करना, इसको ज़रूर लगाना। हाँ, तो अभी वो अप्लाई कर रही है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो कि है एवोल्यूशन का। एंड गाइज, इसको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर मेकअप फिक्स ना हो तो मेकअप लगाने का फ़ायदा ही क्या, तो इसको भी आप लोग कभी भी स्किप मत करना। तो मैं जो भी कह रही हूँ इसको ध्यान से सुनना, किसी को चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, बस लगाते जाना लगाते ही जाना। सो गाइज, अभी वो अप्लाई कर रही है हाइलाइटर। एंड हाइलाइटर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना अगर स्टेप करने के बाद अगर हाइलाइटर नहीं लगाते हो तो स्किन तो ग्लो करेगा ही नहीं, और अगर ग्लो ना करे तो कोई देखेगा ही नहीं, अगर कोई ना देखे तो मेकअप करने का क्या फ़ायदा यार। अभी इन्होंने लिपस्टिक अप्लाई कर दिया है और उसके बाद वो अप्लाई करने वाली है जेल आईलाइनर, और ये जेल आईलाइनर है म्यूजिक फ्लेवर का जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके बाद आता है आईलैशेस, एंड आईलैशेस के बाद फाइनल लुक। ब्यूटीफुल रिसेप्शन लुक है, इसको क्रिएट किया है मेघा ने, एंड मेघा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। एंड गाइज, आप लोग अगर चाहो तो साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसका नंबर वगैरह सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ कहना है? হ্যাঁ, যদি তোমরা কেউ পার্টি মেকওভার বা এনি মেকওভার করতে চাও, ব্রাইডাল রিসেপশন, রাইস সেরিমনি, রিং সেরিমনি, যে কোনো কিছুতে আমায় কন্ট্যাক্ট করতে পারো, খুব রিজনেবল বাজেটের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে এবং খুব ভালো মেকআপ তোমরা ফল দেখতেই পাচ্ছ কিরকম করেছি না করেছি। যদি আমার কাজ ভালো লাগে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। तो सुन लिया आप लोगों ने, मेघा का नंबर जो है सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी आप लोगों को अगर जानना हो मेघा से तो आप मेघा को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइज बेल आइकन को भी प्रेस करना। एंड ये जो लुक है ये कैसा लगा आप लोगों को ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।